अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद जुवेद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त नाज़रीन हम सहीवाल होंडा एजेंसी से सरगोधे का सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम नाज़रीन आपको दिखाएंगे शहीनों का शहर सरगोधे की मुकम्मल सैर करवाएंगे और बताएंगे इसकी हिस्ट्री। तो हमारे साथ जुड़े रहें, विज़िट करें और एन्जॉयमेंट। जी नाज़रीन, तो सरगोधा जो है ये मास्टर प्लान के तहत बनाया गया था पाकिस्तान का पहला शहर, जिसमें पहले नंबर पे सरगोधा मास्टर प्लान के तहत बनाया गया, उसके बाद इस्लामाबाद और फिर फैसलाबाद बनाया। तो ये सरगोधा शहर जो है शहीनों का शहर इसलिए कहा जाता था कि यहाँ आप देख सकते हैं नाज़रीन की गोल मस्जिद है, इस गोल मस्जिद के साथ एक तालाब हुआ करता था। 1860 के बाद इस गोल मस्जिद को, तालाब को जो है ना, एक हिंदू जिसका नाम गोदा था वो इसका मालिक था, तो उस वजह से इस सरगोधा का नाम, इसका नाम सरगोधा रखा गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ख़ूबसूरत अंग्रेज़ ने अक्सरी सतह पर एयरपोर्ट भी कायम किया। 1949 में सरगोधा को तहसील का दर्जा हासिल था। उसके बाद जो है ना, बाद में ऐसा ऐसा जो है ना, इसको ज़िले का दर्जा दिया गया। अब तो सरगोधा डिवीज़न भी बन चुका है। तो नाज़रीन 1946 में कायदे आज़म ने यहाँ पे जो है ना, 2 से 3 दफ़ा जो है ना, अपना इंतखाबात के लिए तशरीफ़ लाए। तो अगर आप बात करें नाज़रीन फ्रूटर के हिसाब से, फ्रूट के, तो यहाँ का ख़ासकर माल्टा और इस तरह के जो है ना फ्रूट के लिहाज से सरगोधा दुनिया में बहुत मशहूर है। अगर चावल की पैदावार की बात की जाए नाज़रीन, तो चावल की पैदावार में 11वें नंबर पर है, जबकि गन्ना की पैदावार में 8वें नंबर पर है। ये ज़िला सरगोधा और जो है ना दरियाए झेलम और चन्हाब के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। यहाँ पर ख़ूबसूरत करियाना पहाड़ियों का एक सिलसिला भी वाक़ है, तो इसीलिए इसको नाज़रीन शहीनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ख़ूबसूरती के बहुत आला जो है ना मकामात दस्तयाब हैं। यहाँ पे अगर आप आना चाहें तो इंशाल्लाह आप आ सकते हैं और घूम भी सकते हैं। इस वक्त हम नाज़रीन हम मौजूद हैं सरगोधा का एक प्लाजा, यहाँ पे जो है ना मोबाइल मार्केट भी है, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो यहाँ से आप मोबाइल भी ख़रीद सकते हैं। दूसरा नाज़रीन आपको बताते जाएँ कि बस्ता मार्केट है, ये एक ख़ूबसूरत बस्ता मार्केट है। अगर आप यहाँ से आए नाज़रीन बस्ता, उसके बाद एनकें या टोपियाँ और इस तरह की खूबसूरत जो है ना प्रोटेक्ट। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मेरे साथ ये खान मौजूद हैं, तो इनसे मैंने एक बच्चे का बस्ता भी लिया है। इनको शौक़ है यूट्यूब पे आने का, तो जितने भी आप सरगोधा से हमें देख रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे आपने कमेंट करना है। तो इनकी दुकान जो है, ये पुल कौन सा पुल है, ये बिल्कुल जो है ना कंपनी बाग के सामने खोला है, उस पर इन्होंने ये देखे लगाए हुआ है, ये बस्ता शॉप है इनकी। तो ज़रूर जो भाई आना चाहें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गुड हो गया जनाब खान, कोई पैगाम देना चाहते हैं आपने देखने वाले शावर तक आपकी वीडियो मत देख खान साहब? नमाज़ जी, जी नमाज़ पढ़ते हैं जी, क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये चैनल सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। अगर इनको आप पेशावर से कोई आदमी देख रहा है, ये पठान भाई पेशावर से हैं, तो ज़रूर कमेंट अपना कीजिए। तो खान से फारग हो के अभी मैं मौजूद हूँ जी इस पार्क के अंदर कंपनी बाग, तो ये आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और फिर आगे चलते हैं जी, जुड़े रहें और विज़िट।
ویلکم بیک ناظرین۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ سرگودھا جو ہے نا وہ ایک زرائی لحاظ سے بھی آگے ہے، یہاں پہ بھینس بکریاں اونٹ اس طرح کے کافی جو ہے نا رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ جناب حال آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہاں پہ ایک جہاز جو ہے نا نصب کیا گیا ہے، تو اس جہاز نے بھی کافی جنگوں میں حصہ لیا جس میں اس کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہے، جو کہ ہم آگے چال کے آپ کو اس کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین دکھاتے بھی ہیں کہ اس کے بعد اس کا مزید نزدیک ہو کے وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس جہاز کو اس کمپنی باغ کے اندر نصب کیا گیا ہے، تو اس کو کافی جنگوں میں جو ہے نا مہارت حاصل ہے، اسی لیے اس کو خوبصورتی ڈیزائن کر کے نا یہاں اس جناب جو ہے نا کمپنی باغ اس میں اس کو لگا دیا گیا ہے، تاکہ جو ہے نا آنے والے ناظرین جو ہے نا اس کو دیکھ سکیں اور جو ہے نا ان کو اس کی معلومات مل سکے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ آپ اس سائٹ پہ گرینری چیک کریں، ایک خوبصورتی چیک کریں، تو سرگودھا جو ہے نا کافی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی کافی خوبصورت ہے۔ تو آپ ناظرین کریں انجوائمنٹ اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو بھی ہماری آپ کو پسند آئے گی پہلے کی طرح۔ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو پہلے کی طرح پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور لائک سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔